रानी दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से लोगों को स्किन से जुड़ी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन और घमौरी। अगर आपके भी शरीर में इस प्रकार की कोई भी इन्फेक्शन हो रही है तो आप इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि इससे आपके स्किन में और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए आज हम आपको दिल्ली में एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करके बताएंगे कि आखिरकार ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके क्या उपाय हैं और आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर, आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी पुनिया है और मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ जंगपुरा चैरिटेबल हॉस्पिटल में बैठती हूँ हफ्ते में दो बार, और स्पर्श खान मार्केट में बैठती हूँ और स्किन लिट्टी लाजपत नगर में बैठती हूँ। और मेरा मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैम, अगर आपसे एक सवाल था कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा एक बीमारी देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा एक बीमारी लोगों के बीच में ये फैल रही है, वो है फंगल इन्फेक्शन, तो ये क्या है और ये क्यों हो रही है लोगों को? तो हम अगर इस फंगल इन्फेक्शन की बात करें, ये बहुत रीसेंट नहीं है, बहुत टाइम से है। और सो बेसिकली लोगों की इम्यूनिटी पे बहुत इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो हमारे जो फोल्ड वाले एरिया हैं आर्मपिट्स थाइस के बीच में, यहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो इन एरियाज में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। उसको फंगस को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और यहाँ पे रैश जैसा बन जाता है। तो वो जो बेसिकली वो फंगस है उसको स्किन सेल्स में अच्छे से फैलता है, उसका वो बेसिकली फूड होता है। और पेशेंट्स बहुत आते हैं समर्स में फंगल इन्फेक्शन के, रैश लेके आते हैं, बहुत मेडिसिन फार्मेसी से भी लेते हैं जो नहीं लेनी चाहिए, उससे कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाते हैं। जो हम मेडिसिन देना चाहते हैं कभी कभी वो भी वर्क नहीं करती हैं, और जो फार्मेसी से ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं उससे स्किन ख़राब भी हो जाती है। तो मेरा ये एडवाइस होगा कि आप कोई भी रैश है, इचिंग हो रही है, फंगल इन्फेक्शन में पहले इचिंग बहुत होती है और रैश जैसा बन जाता है जिसका एक रेड कलर का मार्जिन होता है जो बाहर की तरफ फैलता है, अगर ऐसा रैश है तो आप जल्द से जल्द एक्सपर्ट ओपिनियन लें और ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। ये ट्रीटेबल है और इसके लिए महीना डेढ़ महीना मेडिसिन चलती है और ठीक हो जाता है। इसको लोग अगर हो रहा है तो स्टार्टिंग में इसको अनदेखा ना करें, इसे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल। अगर इसके उपाय के बारे में बताएं कि कुछ ऐसे टिप्स बता दें कि लोग इसका कुछ उपाय करें कि ना हो ये बीमारी गर्मियों में। एक तो ब्रीदेबल कपड़े पहने, ज़्यादा टाइट क्लोथिंग ना पहने ताकि वेंटिलेशन या स्वेटिंग सूख सके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसमें हमारी इम्यूनिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो अपनी डाइट प्रॉपर रखें, टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस कम लें, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करें, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये तो है मैम फंगल इन्फेक्शन, दूसरा है एक परमानेंट घमौरी जो कि बचपन में सुनते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन और घमौरी में क्या डिफरेंस है और ये क्यों होता है? जो फंगल इन्फेक्शन है उसको एज एन एक्सपर्ट हम तो देख के पहचान जाते हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन रेड होता है और वो बाहर की तरफ फैलता है। जो घमौरी होती हैं वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स, जो एक्रिन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उनके ब्लॉकेज से होता है, वो भी एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से होता है। और उसमें वैसे तो कभी कभी ये सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, घमौरी मतलब एक तरह का रैश, एक जनरलाइज रैश जैसा हो जाता है, हाँ, गर्दन पे, हाँ गर्दन पे इस तरफ ज़्यादा ज़्यादा होता है और पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। इसके भी दो तीन टाइप्स के होते हैं, कभी कभी ये ज़्यादा रेड भी हो जाता है और इन्फेक्ट भी हो जाता है कभी कभी। और अगर ये माइल्डर फॉर्म में है तो कूलर एरिया में जाने से, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म एरिया को छोड़ के थोड़ा अगर आप ठंडे रूम में रहेंगे तो ये ठीक भी हो जाता है अपने आप। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन लें, इसके लिए हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं। इसमें खुजली भी बहुत होती है, घमौरी में खुजली भी बहुत होती है, तो कूल फॉर्मेंटेशन इसमें हेल्प करता है, कैलामिन हेल्प करता है, एंटी हिस्टामिनिक्स हेल्प करते हैं। तो मैम घमौरी का मतलब एक ये भी सिम्टम्स है कि घमौरी सबसे ज़्यादा किस सीज़न में होती है, गर्मी में कि बरसाती जो मौसम आ रहा है उसमें? देखिए, मैं जब स्वेटिंग ज़्यादा होगी तब होगी,
दैट इज़ वन. मैं हम तो ये बच्चों छोटे छोटे बच्चों में भी देखते हैं जो इन्फेंट्स होते हैं, अगर उनको उनके मदर ज़्यादा कवर कर लेती है तो ये विंटर्स में भी हो जाता है. तो बेसिकली वेंटिलेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कॉटन क्लोदिंग, वेंटिलेशन, ओवर हीटिंग, ओवर गर्मी. जी और कुछ टिप्स? वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकता है, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है. तो इसका भी अगर हम सही से कंसल्ट करें तो बिल्कुल बेटर रहेगा.